कि शराबबंदी के प्रति इनका नजरिया क्या है। चिराग पासवान जी तो ललटेन के न चिराग हैं। अरे अपने क्षेत्र की चिंता करिए ना। शराबबंदी कानून के विरोध में अगर लाना है तो स्वागत है श्रीमान। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर अब बिहार सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है, ऐसी खबरें मीडिया में आई है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून पर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेर रही है, साथ ही साथ सरकार में जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है, लेकिन बीजेपी भी जेडीयू पर सवाल खड़े कर रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून जिस तरीके से विफल है, इसके बावजूद भी शराब काफ़ी आसानी से हर जगह मिल रहा है। और बीते दिनों नालंदा में जो घटना घटी है, 14 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। इस पर अब जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शराबबंदी कानून बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको इस वक्त बिहार में बहाल किया गया है, लेकिन संशोधन क्या होगा इसकी जानकारी अभी तक उन्हें नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल पर भी प्रहार किया है और जीतन राम मांझी पर भी प्रहार किया। जिस तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता के बीच जाकर पहले सर्वे करा लेना चाहिए, अगर जनता चाहती है कि इस कानून को फौरन वापस लिया जाए तो इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए। और जिस तरीके से राजद ने कहा है कि आने वाले सत्र में वो इस शराबबंदी कानून को चैलेंज करेंगे, विधानसभा के भीतर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी कही गई है आरजेडी की तरफ से। इस पर नीरज कुमार ने करारा हमला किया है, कहा है कि अगर आरजेडी चाहती है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए शराबबंदी के खिलाफ तो उनका स्वागत है, वो आए और विधानसभा के अंदर आकर विधानसभा के पटल पर कहे कि हम बिहार में शराबबंदी कानून नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान ने मांग की थी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाई जाए। कल चिराग पासवान नालंदा गए थे, पीड़ित परिवारों से मिला, उनके बाद उन्होंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी कानून जिस तरीके से विफल है, उनका कहना है कि अब सरकार और सिस्टम बिहार में शराबबंदी कानून को अमल नहीं करा पा रहा है और इस पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। इन सभी जवाबों पर नीरज कुमार ने आज करारा हमला किया। सुनिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, जनता का समर्थन ह्यूमन चेन के रूप में, सदन के अंदर सर्वदलीय संकल्प, गवई भाषा में क्रिया, और हाल में एनडीए विधायक दल की बैठक में दोनों हाथ उठाकर कि एकदम हम शराबबंदी के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। तो अब इस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है, कहाँ से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि इसमें संशोधन होने जा रहा है। क्या रहे भैया, आज जो बिहार उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम कानून है वही प्रभावी है, इस संबंध में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता से पहले सर्वे करा लेना चाहिए, अगर जनता कहती है तो ठीक, नहीं तो इस कानून को शीघ्र वापस ले लेना चाहिए। वो जो विधानमंडल में किसके प्रतिनिधि बैठते हैं, जनता के ही प्रतिनिधि बैठते हैं ना। माने हम लोग अभी जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं तो इसके लिए तो मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। तो हम लोगों हम तो कह रहे विधानमंडल में किसके प्रतिनिधि रहते हैं, जब जनता के प्रतिनिधि ही संकल्प लेते हैं, गवई भाषा में क्रिया खाते हैं, दोनों हाथ उठा कर करके बोलते हैं तो वही पैमाना माना जाता है। आरजेडी कह रही है कि हम इस पर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे आने वाले सत्र में, क्या कहिएगा आरजेडी? किस अविश्वास प्रस्ताव किस संदर्भ में लाएंगे? शराबबंदी कानून को लेकर। मैंने शराबबंदी कानून के विरोध में, वीरेंद्र ने भी कहा है, शराबबंदी कानून के विरोध में अगर लाना है तो स्वागत है श्रीमान। आइए उस सदन के अंदर कहिए कि शराबबंदी कानून को खत्म करो। मार्च के सत्र में बिहार की जनता को भी एहसास हो जाएगा कि शराबबंदी के प्रति इनका नजरिया क्या है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बिहार नहीं संभल रहा है, हम राज्यपाल से आग्रह करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अरे बेचारे, उनका तो यही काम न है भाई, आ गए न बिहार। चिराग पासवान जी तो ललटेन के न चिराग हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करिएगा। तो स्वाभाविक है संभल नहीं रहा है, तो 2014 का भाषण निकाल के दिखा दे आपको चिराग पासवान जी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने गांव की तस्वीर बदल दी, गांव में गली बना करके पानी पहुंचा करके। और जमुई जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है आदरणीय चिराग पासवान जी, अभी तारापुर में नीचे से आप फर्स्ट कर गए हैं राजनीतिक दल में, नीचे से फर्स्ट, इनका निर्वाचन क्षेत्र। मैं चुनाव में तारापुर थे मैं था, तारापुर में लोग कहते थे कि माननीय सांसद का दर्शन
अब लगता है चुनाव में उपचुनाव में हो जाएगा। अरे अपने क्षेत्र की चिंता करिए ना, बिहार की चिंता करने के लिए तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं ही, वहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है।